नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 8 अगस्त को मैंने पॉपुलर डिमांड पर एक वीडियो अपलोड किया था सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से संबंधित जो मिस्ट्री है उसको लेकर। उस वीडियो में मैंने स्पेसिफिक डेट्स के साथ कुछ प्रिडिक्शंस किया था, और वो प्रिडिक्शंस जो मैंने किया था वो सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली को देखकर नहीं किया था, वो मैंने प्रश्न कुंडली एक बनाया था उसको देखकर किया था। और उसमें से सबसे पहला प्रेडिक्शन मेरा ये था कि 17 अगस्त के लगभग सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र सरकार की जो याचिका है जिसमें वो प्रे कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई का रोल खारिज कर दे, उस याचिका को ही सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगी, और ऐसा कल हो चुका है। आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, खास करके यदि एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, आप यदि एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आप यदि एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, या ऐसे भी आप यदि प्रश्न कुंडली कैसे काम करता है और इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे होते हैं, कितने सटीक होते हैं, ये समझना है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने दूसरा जो प्रिडिक्शन किया था वो प्रिडिक्शन ये था कि 23-24 अगस्त के लगभग सीबीआई अपना काम शुरू कर देगी। और एक दूसरा वीडियो जो मैंने 2 दिन पहले बनाया है जिसमें मैंने उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार के भविष्य में के बारे में मैंने भविष्यवाणी की है, उस वीडियो में मैंने बताया है कि उद्धव ठाकरे का बुरा समय 25 अगस्त से शुरू हो रहा है, और लॉजिक ये बताया था कि 25 अगस्त को उद्धव ठाकरे की कुंडली में जो गुरु हैं गंधांत में बैठे हुए उसके ऊपर से केतु गुजरेंगे। तो ये जो 23-24 अगस्त को सीबीआई काम शुरू करेगी और 25 अगस्त जो मैंने उद्धव ठाकरे की परेशानी के बारे में बताया है, इस दोनों में मैं एक कोइंसिडेंस देख रहा हूँ। वाकई में यदि सीबीआई ने 23-24 तारीख से इंक्वायरी शुरू कर दिया या 25 तारीख से इंक्वायरी शुरू कर दिया तो ये बट ऑब्वियस है कि उद्धव ठाकरे ही इससे सबसे ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की जो पिछले 2 महीने में रवैया रही है इससे ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि वो कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाले वीडियो में मैंने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें उनके फ्रेंड से लेकर, उनके घर का नौकर से लेकर, किसी महिला से लेकर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोगों से लेकर, सभी चीज़ों का मैंने एक एक करके बताया है और सब प्रश्न कुंडली के माध्यम से बताया है। मैंने ये भी बताया है कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसमें बिजनेस इन्वॉल्व है, इसमें पार्टनरशिप इन्वॉल्व है। मैं उस वीडियो में बहुत स्पेसिफिकली बताया हूँ कि दिसंबर जाते जाते सीबीआई इस केस के तह तक पहुँच जाएगी और बहुत सारे परत खुल जाएंगे। और उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार के भविष्यवाणी पर भी मैंने ये कहा है कि दिसंबर आते आते उद्धव ठाकरे की सरकार को जाना पड़ेगा, दिसंबर जनवरी आते आते। सो ये दोनों घटनाओं का एक देखिएगा तो ये इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हैं ये दोनों चीज। उद्धव ठाकरे वाले भविष्यवाणी में मैंने ये स्पष्ट कहा है कि कोई बड़ा स्कैंडल निकलेगा जिससे उद्धव ठाकरे पर इतना प्रेशर आएगा कि वो रिजाइन करेंगे, और उसमें मैंने बताया है कि वो स्कैंडल सुशांत सिंह राजपूत का भी हो सकता है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया और ऐसा लग रहा है कि ये डेट्स बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो अब इसमें मुझे बिल्कुल कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है ये उद्धव ठाकरे की गली गले का हड्डी साबित होगा। सांप और छुछुंदर वाली स्थिति जो कहते हैं, उद्धव ठाकरे की कुंडली को देखकर ये बिल्कुल दिख रहा है। न तो वो छुछुंदर को निगल सकते हैं और ना ही उसको उगल सकते हैं। निगल लेंगे तो कोढ़ी हो जाएंगे और उगल देंगे तो अंधे हो जाएंगे। सो कैच 22 के सिचुएशन में है उद्धव ठाकरे। ये समय उनके लिए बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि ये सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है उनके गले का फांस बन जाएगा, और हो सकता है इसी केस के वजह से उनका द एंड हो जाएगा, उनके गवर्नमेंट का द एंड हो जाएगा। सो मित्रों, ये था मेरा छोटा सा वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और अपना प्यार अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।